سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين سلام قولا من رب رحيم। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है आगा फहद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पार्क। व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सागर बेकरी, सागर स्वीट्स का बहुत ज़बरदस्त किस्म पे इफ्तिताह हुआ है और ये आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे रऊफ लाला भाई। रऊफ लाला भाई, कैसा लग रहा है आपको, कैसा आप इफ्तिताह में महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और मैं दिल से दुआ दूँगा हनीफ सागर को कि ये इसकी जो सागर स्वीट बेकरी है इसकी ये तीसरी या चौथी ब्रांच है और एक ब्रांच की मैंने भी ओपनिंग की थी। आज मेरे ही मोहल्ला है ये, यहीं जमशेद रोड पे इन्होंने बेकरी की। इनके आइटम अच्छे हैं, जब ही तो माशाल्लाह से ब्रांचें बढ़ रही हैं और बहुत साफ़ सुथरा सामान है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं, ट्रीटमेंट अच्छी होती है, फैमिलीज़ के लिए बड़ा अच्छा आला इंतज़ाम है अपना, किसी किस्म की मन भीड़ नहीं है ये वो, लेकिन चीज़ें बड़ी म्यारी अच्छी हैं और मेरी दुआ है इंशाल्लाह सागर स्वीट बेकरी जो है वो तरक्की करें, आमीन सुमा। तो आप समझते हैं कि इस बेकरी का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करता हुआ है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह की इनकी कोशिशें हैं, जिस तरह हम यहाँ बेकरीज देखते हैं और भी बेकरीज हैं कि लोगों की बेकरी होती है लेकिन इतनी खूबसूरत स्टैंडर्ड के साथ नहीं बनाते, लेकिन इन्होंने जितना खर्चा किया और जितना लाइटिंग और एक माहौल से ही पता चल जाता है आपको, एटमॉस्फेयर जो है वो उससे आपको पता चल जाता है कि इंटरनेशनल लेवल के काम को हम इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। मैं यही पूछना चाहता था कि इंटरनेशनल लेवल आपको लेवल का चेक कर रहा है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया रऊफ भाई आपका, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू आप आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे नज़ारे हैं, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जाकिर मस्ताना और आप शो इसके बारे से मुझे जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे आने का मकसद ये है कि सागर स्वीट में भी जो इन्होंने ये बिस्मिल्लाह की है तो वो बिस्मिल्लाह और तरक्कियाँ होती जा रही है माशाल्लाह, ये तीसरी चौथी इनकी ब्रांच है और जहाँ तक मैं मयार की बात करूँ, सबसे पहली बात तो यहाँ पे बिल्कुल फैमिली का एक माहौल, साफ़ सुथरा माहौल बिल्कुल, कि जो लोग चाहते हैं उस माहौल को, और अगर आ जाए हम इनकी ब्रांड की तरफ, इनके मयार की तरफ, तो माशाल्लाह एक ये बड़ा ब्रांड है और अगर हम किसी और ब्रांड से इन्हें कंपेयर करते हैं तो किसी बड़े ब्रांड से ये जो है कम नहीं है, जायका भी और यहाँ पे जो प्राइस भी मैंने देखे माशाल्लाह वो भी ऐसे है कि इसलिए इतना रश भी है और लोग जो है इनकी जितने भी ब्रांचें हैं सागर स्वीट की माशाल्लाह वहाँ पर यही है माहौल है, फैमिली का स्टाफ बड़ा अच्छा है और जायका बड़ा अच्छा है और बाकी आप देख रहे हैं और हमारी दुआएं के लिए कि इसी तरह पूरे कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में जो है ये सागर स्वीट जो है ये इसी तरह तरक्की करता रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत जी। तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर केक और ये केक बहुत ही शानदार लग रहा है, उसका जायका देख के बता दूँ, खा के टेस्ट करके बताऊँगा कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है भाई, रियली बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग चाहते हैं इतना मज़े का जायका इसका लेना और ख़ूबसूरत, काइंडली आएँ और मज़े करें। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सत्तार भाई जो कि खत्री कम्युनिटी के माशाल्लाह हमारे बड़ों में से हैं और वो इस वक्त सागर स्वीट्स के इफ्तिताह के मौके पर यहाँ पे उनकी तशरीफ आवरी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत मुबारक हो हनीफ भाई को और अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह खूब बरकत दे। माशाल्लाह ये इनका पाँचवीं छठी ब्रांच है मेरे ख्याल में, पाँचवीं ब्रांच है, हम इनको दावत देंगे, पी आई वी कॉलोनी में भी आएँ, एक ब्रांच वहाँ भी खोलें, वहाँ भी इंशाल्लाह अच्छा काम है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया ऊपर। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब जकरिया साहब, मोहम्मद जकरिया साहब और ये जीएम है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। सर ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी बात ये कि पिछली दफ़ा भी हमने व्लॉग किया था आपके साथ और अब हमने आज आपके साथ यहाँ पर आके व्लॉग किया है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे थैंक्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र है
कि बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कम अरसे में अल्लाह ताला ने हमें जो है सक्सेस से नवाजा, और ये तकरीबन 7 महीने के अंदर जो है हमारी 5वीं ब्रांच। माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। क्या क्या आइटम्स आपने रखे हैं और किस किस तरीके से हमें बताएं, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए हमारे पास जो है स्वीट्स के अंदर मल्टी वैराइटीज़ हैं, नंबर ऑफ अब वेरियंट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। माशाल्लाह हमारे कोई 256 टू 275 हमारे अपने वेरियंट और प्रोडक्ट हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं, जिसके अंदर स्वीट्स हैं, स्नैक सेक्शन है, केक सेक्शन है, फिर आपके पास इसके अलावा बिस्किट्स का पूरा है, कुकीज़ हैं और सेवरी आइटम्स हैं, फास्ट फूड है, तमाम सेक्शन पे फ्रोज़न आइटम भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। ज़बरदस्त, यानी कि अगर किसी को फ्रोज़न प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी तो वो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो बेकर्स पे आए, आपके स्वीट्स के ऊपर आए और यहाँ से फ्रोज़न आइटम्स ले जाओ। फ्रोज़न आइटम में आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं? सर हमारे पास फ्रोज़न आइटम के अंदर जो है आलू समोसा है, बीफ कीमा समोसा है, चिकन टिक्का रोल है, चिकन रोल है, इसके अलावा जो है चिकन हमारे पास समोसा है, और तो तकरीबन कोई 6 से 8 इकसाम की जो हमारे पास फ्रोज़न आइटम जो है अवेलेबल है। ज़बरदस्त, और केक्स वगैरह की क्या वैरायटीज़ है, ज़रा इनके बारे में बताएं। केक्स हमारे पास ऑलमोस्ट तमाम जो है केक्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। असल में इस पर डिपेंड करता है कि आप टेस्ट क्या दे रहे हैं और क्वालिटी क्या दे रहे हैं। देखें ब्लैक फॉरेस्ट हर जगह अवेलेबल होगा, रेड वेलवेट हर जगह अवेलेबल होगा, ठीक है ना। हमारे पास मैंगो केक भी होता है सीज़न के अंदर, ठीक है ना, वो हमारी स्पेशलिटी है। हमारे पास अगर आप आएंगे तो तमाम इकसाम के आपको केक नज़र आएंगे, लेकिन उसके अंदर आपको जो क्वालिटी नज़र आएगी इंशाल्लाह वो डिफरेंट नज़र आएगी, टेस्ट आपको डिफरेंट मिलेगा। उसकी वजह ये है कि हनीफ सागर साहब जो है हमारे जो ऑनर हैं उनका मोटिव ये है कि हमने क्वालिटी सर्व करना है हाइजीन इन्वायरमेंट के साथ और हाइजीन प्रोडक्ट के साथ, तो इस वजह से जो है क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी का उनका स्लोगन है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है जो आपको रश भी नज़र आ रहा है कि लोग आ रहे हैं जोक दर जोक। और ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर हमने 15% जो है डिस्काउंट भी ऑफ़र किया है, ये 21 जनवरी बरोज़ हफ्ता 2023 से जो है 23 जनवरी बरोज़ पीर 2023 तक। ज़बरदस्त, तो यानी कि 15% डिस्काउंट है, वो ऑल आइटम्स के ऊपर है या फिर कोई प्रोडक्ट्स अलग हैं? जो हमारे अपनी प्रोडक्ट है उनके ऊपर है, जो हमारे अपने वेरियंट्स हैं उनके ऊपर है, जो मार्केट जनरल आइटम्स हैं उन पर नहीं है। बाकी जो हमारी अपनी 256 टू 275 जो हमारे अपने प्रोडक्ट वेरिएंट जो है वो उनके ऊपर ये डिस्काउंट अवेलेबल है। एक चीज़ मैं और एडअप करना चाहूँगा इसके अंदर, मैं ये कहूँगा कि तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इलाके वालों से, यहाँ सराउंडिंग के जितने भी हैं वो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, क्वालिटी और टेस्ट को टेस्ट चेक करें, इंशाल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट दैट कि आप दूसरा विज़िट खुद करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग सागर की ओपनिंग के ऊपर आए हैं और आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन मिठाई की स्वीट्स की दुकान खुली है, तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, आपने कितनी शॉपिंग करी है और क्या किस तरह से लग रहा है? अभी हमने यहाँ पे शॉपिंग करी है, हमने बिस्किट्स लिए हैं और मिठाई वगैरह ली है, तो हमें बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे, और ओपनिंग यहाँ पे है, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे फर्स्ट ऑल, तो हम ये कहेंगे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ऐसी ब्रांचेज इनकी और जगह भी होनी चाहिए। अच्छा टेस्ट कर लिया अब आपने, आप बताइए अब कैसा है? अब अच्छा लगा, अब अच्छा लगा, अच्छा लगा क्योंकि हमने टेस्ट कराए। वेरी गुड, हमें मैंने कहा पहले टेस्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सागर स्वीट्स के ओनर जिनका नाम है जनाब हनीफ सागर साहब। सर कैसे महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का एहसान है बड़ा। आपको याद होगा मैं यूपी मोड़ वाली ब्रांच में भी माशाल्लाह पहली ब्रांच में हम आए थे, माशाल्लाह आज माशाल्लाह दोबारा आए, खुश आमदीद आपको। अच्छा ये बताएं क्या इरादे हैं आपके आने वाले वक्तों में? आने वाले वक्त में काम ही करना है, काम ही करना है, काम करना है, पाकिस्तान से बाहर भी करना, लोगों के लिए करना, सबके लिए करना है। पाकिस्तान से बाहर भी सोच रहे हैं? पाकिस्तान बाहर नहीं, कराची के अंदर तो माशाल्लाह 5 ब्रांचेस हो गई हैं। अच्छा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए माशाल्लाह लाहौर का प्लान, इंशाल्लाह लाहौर में माशाल्लाह इनकी ब्रांच ओपनिंग होने जा रही है और बड़ा जबरदस्त, वहाँ पे भी मजा आने वाला है लोगों को। अच्छा ये बताएं क्या आपका स्लोगन क्या है? मैं चाहता हूँ कि बस यार लोग आए आपके मोहल्ले में, आए इधर नई जगह पे, माशाल्लाह इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर, बहुत आवाम है यहाँ पे, सारे समझो फिलेडों का जंगल बना हुआ है, तो तमाम लोगों से गुजारिश से आए इधर हमारे पास एक बार ट्राई करें, एक बार चेक करें, इंशाल्लाह आवाम की इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी, इंशाल्लाह आवाम की शिकायत। अच्छा जी मैंने देखा आप टेस्ट चेक करके और क्वालिटी भी मैंने देखी, नो डाउट आउट ऑफ द क्लास है, आउट ऑफ द मार्क है, तो इसकी खास वजह क्या है सर, खलूस मिला रहे हैं क्या? ये अल्लाह की मेहरबानी, बस अल्लाह की मेहरबानी, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपका सागर साहब। जी तो व्यूवर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान का एक बहुत ही प्यारा नाम, काशिफ भाई की बात कर रहा हूँ, जो कॉमेडियन है और इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 कॉमेडियंस में उनका शुमार होता है, तो वो भी इस वक्त सागर स्वीट्स पे आए हैं, तो चलें आपको उनसे मिलवाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सारे काशी भाई? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह हमारा आपका तो 10-15 साल का साथ है। बिल्कुल। और जियो के ज़माने से माशाल्लाह। और खुशी है कि पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर इतना सारा काम हो रहा है। ज़बरदस्त, थैंक यू काशी भाई, बहुत शुक्रिया। काशी भाई यह बताएं कि सागर पर आने का इत्तेफाक कैसे हो गया आपका? देखिए बात यह है कि आपको बता दें सागर जो है वो समंदर को कहते हैं, और सागर पे जब हम आए हैं तो ये जायके का समंदर है माशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी तक जो टेस्ट की हैं, जब हमने गाजर का हलवा टेस्ट किया तो मुझे लगा कि इससे अच्छा शायद इससे पहले ना खाया हो, लेकिन ऐसा ना हो कि थोड़े से अल्फाज ज़्यादा हो जाएं, तो इसको हम ए प्लस ग्रेड करेंगे। और ख़ासतौर पर जो प्रेजेंटेशन है, सफाई सुथराई है, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं खाने लगूँ उसको हाथ ना लगे किसी के, अगर कोई हाथ लगाए तो एटलीस्ट ग्लव उसने पहने हुए। तो माशाल्लाह वो तमाम अहतमाम है। और मैं मिठाई की बात करूँगा, मुझे ज़ाती तौर पर जो भाषानी चमचा में वो बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा एक ख़ास गुलाब जामुन है, वो कोई मैंने उसको बताया कि वो खजूर के शक्ल की है। मैंने इनको कहा भाई ये क्या आपने खजूरें डिप की हुई हैं? बोला नहीं ये गुलाब जामुन है और कोई इंडिया से ये आइडिया लेकर आए। तो वो शीरे में डूबी हुई और उसको हमने जब टेस्ट किया गरम गरम तो बहुत उम्दा मज़ा आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम बहुत सारी बेकरीज का नाम सुनते हैं, बहुत सारी स्वीट्स का नाम सुनते हैं, तो अब की बार सागर स्वीट्स या सागर बेकर्स जो हैं वो डोमिनेट करेगा। ज़बरदस्त। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 out of? मेरा ख्याल है कि मेरे हिसाब से तो पूरे 10 में से 10 होने चाहिए, लेकिन चले हम उसको 9 कर देते हैं, एक इख्तिसार में काट लेते हैं, किसी को मौका देते हैं कि वो 10 कम्पीट करे। ज़बरदस्त काशी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके अल्फाजों का। इतने मीठे अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं और आप बोलते हैं तो फिर और ही क्या बात है। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ आलम भाई, और ये इस वक्त इनॉग्रेशन पे आए हुए हैं सागर स्वीट्स की। तो इनसे मालूम करते हैं इनको कैसा लगा सागर स्वीट्स की ओपनिंग के ऊपर आकर। अस्सलाम वालेकुम, आगाज़ है माशाल्लाह। ये हमारे इतने पुराने क्लोज दोस्त हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड हैं हमारे, ये हनीफ सागर साहब माशाल्लाह। इनकी ये 5वीं ब्रांच है और लोग अभी आ रहे हैं, देख लिया कितना रश लगा है माशाल्लाह। और हर वैरायटी एक से बढ़कर एक है। आप यहाँ पे इंजॉय करें, इस इलाके के जमशेरों वाले तमाम इंजॉय करें और देखें कि माशाल्लाह क्या क्या वैरायटी है उनकी। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का वीलॉग, उम्मीद है आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। सागर स्वीट्स का जो इफ्तिताह हुआ है हमने आपको पूरी इसकी कवरेज करी। तो अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल बटन भी दबाइएगा ताकि आपको मजीद इसी तरीके की इनोग्रेशन की और दूसरी मुख्तलिफ अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो आगा फात को इजाज़त दीजिए इस वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।